इस सीरीज में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस, मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। कैसी लग रही है ये सीरीज बताइएगा ज़रूर। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूं हर पेपर के। अब जैसे इस समय लखनऊ मेट्रो मेंटेनर TG2 का पेपर चल रहा है 2018 का, इसमें टॉपिक वाइज मैं आपको सारे सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज में, वन बाय वन लेक्चर देखिएगा, सारे टॉपिक कवर अब हो जाएंगे और हो रहे हैं। खैर, अब आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हम लोग आज ट्रांसफार्मर करेंगे इस लेक्चर में। आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि आप ट्रांसफार्मर का जो हम आज करने वाले हैं उसमें से अगर मैं बताऊं 5 क्वेश्चन हम आए हुए हैं जो पेपर में आए हुए थे, वो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रांसफार्मर से। अब ये जो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रांसफार्मर सीरीज से, ये कौन कौन से क्वेश्चन थे? 3 या 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, 1 क्वेश्चन थ्योरी का है। तो अभी आपको, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार कोशिश करिएगा ये सारे न्यूमेरिकल्स आप नोट डाउन कर लो। और अगर आप ये नोट डाउन कर लोगे तो विश्वास मानिए इससे बाहर आपको किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। मैं TG2 वालों को स्पेशली इस बात को कहूँगा कि ये नोट डाउन इसीलिए भी कर लेना क्योंकि मैंने ये न्यूमेरिकल बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेपर में भी देखे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब इतना कॉमन हो जाएंगी चीज़ें, जब यही क्वेश्चन वहाँ आ रहा है और यही क्वेश्चन कंसेप्ट का दूसरी जगह आ रहा है, तो फिर पेपर में तो कुछ छूटने जैसा रहेगा ही नहीं ना। तो आप लोग क्या करिए, जो भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा उसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से ट्रांसफार्मर का, पहला क्वेश्चन। अच्छा, बाकी आप प्लेलिस्ट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना लिंक देख लीजिएगा जो लखनऊ मेट्रो पेपर के बाकी के टॉपिक होंगे। अगर आपको देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ ऐप का भी लिंक है, ऐप में भी आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे, कई टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी मोबाइल ऐप में, ठीक है? और आपको वहाँ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और सब चीज़ों के आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप ये ट्रांसफार्मर की जो बात है आज हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर, मैं देखता हूँ अपनी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतकालीन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती? विच कूलिंग मेथड इज नॉट यूज्ड? देखिए भाई, ट्रांसफार्मर के साथ एक समस्या है। जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ये वाइंडिंग होती है इसकी, ठीक है? अब इस वाइंडिंग के बीच में ये यहां पर पूरा ऑयल भरा रहता है। अगर ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर है तो ही ऑयल भरा रहेगा। अगर ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर नहीं है, मतलब तेल वाले ट्रांसफार्मर नहीं है, तो तेल नहीं भरा रहेगा। बात आती है क्या भरा रहेगा? एयर एज अ इंसुलेटिंग मीडियम भरा रहेगा। यहाँ ऑयल के 2 काम होते हैं। तो ये जो मैं बातें आपको बता दे रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। ऑयल यहाँ पर 2 काम करता है, एक तो इंसुलेशन का काम करता है और एक कूलिंग मीडियम का काम करता है। तो ये भी अपनी आप में पूछ ली जाती है कि ऑयल किसकी तरह काम करता है। ये जो ऑयल है, क्या होता है, जब यहाँ हाई करंट और हाई वोल्टेजेस जब ट्रांसफार्मर पर लगते हैं तो ये ऑयल होने लग जाता है हीट, क्योंकि I2R लॉसेस होते हैं और उस I2R हीट लॉस की वजह से ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है और ये ऑयल हो जाता है गर्म। इस ऑयल को गर्म करने के लिए ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट हमें देना पड़ता है, मतलब कि हमें कूलिंग मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल करने के लिए ट्रांसफार्मर को।
अब पेपर में सवाल आता है इन्हीं ठंडे ठंडे कूल कूल मेथड्स पर, कूलिंग मेथड्स पर, कि कौन कौन से कूलिंग मेथड्स होते हैं। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दो तरीके से ये कूलिंग मेथड बटे हुए होते हैं, एक फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और एक होता है फॉर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ड्राई टाइप में मैंने आपको बताया ऑयल नहीं भरा जाता, एयर ही होती है, एज एन एयर मीडियम यूज होती है ड्राई टाइप में, और ऑयल टाइप में ऑयल भरा हुआ जाता है। चाहे एयर यूज हो चाहे ऑयल यूज हो, काम उन दोनों के यही रहेंगे, इंसुलेशन और कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करना। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठंडा ठंडा कूल कूल मेथड ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में एयर नेचुरल और एयर ब्लास्ट मेथड होता है, ठीक है, एएन मेथड भी बोलते हैं इसे। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो एएन मेथड है, एयर नेचुरल मेथड है, इसको एयर मेथड नाम से भी जानते हैं, और एक एयर ब्लास्ट, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा मेथड यूज़ होता है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ONAN मेथड बोलते हैं, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड ONAF मेथड बोलते हैं, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड OFAF मेथड बोलते हैं, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड OFWF मेथड बोलते हैं। अब यूँ तो एक एक मेथड अपनी आप में समझाने वाला मेथड है, फिर वो काफ़ी डिटेलिंग में हो जाएगा, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये एज इट इज़ पूछे जाते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश में मत फंस के रह जाना। ONAF नाम ही है उसका मेथड, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, मतलब इसमें अब देखिए यूँ तो सबको डिटेल में भी लेके जाया जा सकता है। तो आप ही आप एक चीज़ देखिए, अपने ऑप्शन में देखिए। अब देखो यहाँ भी मैं आप लोगों को एक चीज़ देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ, और देखो यहाँ आज प्रूफ भी हो गया है। देखिए नाम इंग्लिश के नाम केवल हिंदी में लिखे हुए हैं, अदरवाइज कोई हिंदी का नाम नहीं है। देखिए सेल्फ कूल्ड ऑयल फील्ड लिखा है, वही इंग्लिश को हिंदी में लिखा है। मैंने हज़ार बार कहा है कि आप लोग प्लीज़ हिंदी में अड़ा मत करो कि नहीं मुझे हिंदी ही बताओ इसकी। देख लो आप लोग अपनी आंखों के सामने कि किस तरीके से इंग्लिश की ही ऑप्शन को हिंदी बना दिया गया है, वहाँ कोई अलग से हिंदी यूज नहीं करी गई है। अब वो बच्चे यहाँ पर मात खाने वाले हैं जिन्होंने केवल इस बात के लिए अड़ गए थे कि नहीं साहब हम तो हिंदी को छोड़ेंगे ही नहीं, हम हिंदी ही मतलब जान के याद करके पेपर में जाएंगे और इंग्लिश मतलब नहीं पेपर में हम लोग समझेंगे। तो देख लीजिए आप किस तरीके से हिंदी में इंग्लिश को ही हिंदी बना दी गई है। खैर, सेल्फ कूल्ड ऑयल फील्ड, वाटर कूल्ड ऑयल फील्ड, एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस कूलिंग मेथड को प्राथमिकता नहीं दी जाती, प्राथमिकता नहीं दी जाती। अब आप एक चीज़ देखिए, एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेल्फ कूल्ड ऑयल फील्ड, देखिए सेल्फ कूल्ड का मतलब हुआ खुद ब खुद कूल्ड हो जाना और ऑयल से भरा हुआ ट्रांसफार्मर, ठीक है। वाटर कूल्ड ऑयल फील्ड, एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग तो भैया हवा को तेज़ी से ब्लास्ट मारा जाता है, मतलब फेंका जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। सेकंड ऑप्शन वाटर कूल्ड ऑयल फील्ड, और चौथा ऑप्शन एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड। अब देखिए इनमें से जो वाटर कूल्ड ऑयल फील्ड है, आप सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे, इसको हम लोग थोड़ी कंपैरेटिवली एयर ब्लास्ट से ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। अब आपने करना क्या है कि जो मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा नोट्स बना के दिया है कि ये टाइप्स ऑफ मेथड आपको दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लोगे तभी भला होगा, अगर खाली सुनते रहोगे तो भला नहीं होगा। दूसरी चीज़, नोट डाउन करने का सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप एक रफ कॉपी बनाइए या आप एक पेपर ले लीजिए, रफ कॉपी से बेटर है पेपर्स ले लीजिए। आप पेपर पर ट्रांसफार्मर लिखिएगा, और ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई जो भी मैं बातें बताऊंगा इस लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर में इम्पॉर्टेंट, तो उसे खाली ट्रांसफार्मर में लिखिएगा, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रिकल के पेजेस बनाइएगा तो उससे क्या होगा कि खिचड़ी नहीं पकेगी। बेसिक इलेक्ट्रिकल के पेज में बेसिक इलेक्ट्रिकल की बातें जाएंगी, ट्रांसफार्मर के पेज में ट्रांसफार्मर की बातें जाएंगी, ठीक है।
जो ऐसा कर लेगा उसका वो देखना कितना प्यारा जो है अंत में रिजल्ट निकल के आएगा, वो मज़ा आ जाएगा यार उसको। उस जब वो पेपर वाले दिन पढ़ने बैठेगा, आप जब पेपर वाले टाइम पे पढ़ने बैठेगा तो दिमाग में खिचड़ी नहीं पकेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके पास अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक से रखे हुए होंगे, ये फ़ायदा होगा उसको। क्लियर है इतनी बात? तो इस ऑप्शन में मैंने आपको बोला फोर्थ इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम इसको कम प्राथमिकता देते हैं सेकेंड के कंपेरिजन में और बाकियों के कंपेरिजन में। क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित, ये जो प्रति मोड़ है ना इस पे आपको फोकस करना है ईएमएफ क्या होगा। अब समझिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ पैदा होता है चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, जो ईएमएफ पैदा होता है उसका फॉर्मूला होता है एन फाइ 4.4 एन फाइ एम एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाइ एम होता है मैक्सिमम फ्लक्स उच्चतम फ्लक्स, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ लेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी के टर्न आएंगे, प्राइमरी का ईएमएफ आएगा, और अगर हम सेकेंडरी का लेंगे तो सेकेंडरी का ईएमएफ आएगा, सेकेंडरी का टर्न आएगा। कहने का बहरहाल मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न डिपेंड करेगा कौन से वाइंडिंग का ईएमएफ ले रहे हैं। उच्चतम फ्लक्स ये वाला फ्लक्स है जो यहाँ कोर में बह रहा होगा। एक पेपर में इसी बात को लेकर क्या सवाल आया था कि ट्रांसफॉर्मर में हम किस फ्लक्स की बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स की, जबकि डीसी मोटर के ईएमएफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी ले। जो लोग नए हैं उनको बता दूं पी से पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेकर। तो ये याद करने का एक अच्छा सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। खैर अब आप इस बात को समझिए कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके है, इसमें पी क्या है नंबर ऑफ पोल, फाई क्या है, यहाँ जो फाई था वो पर पोल फ्लक्स था, प्रति पोल फ्लक्स था, जबकि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम फ्लक्स उच्चतम फ्लक्स है। तो यही बात का सवाल पूछ लिया गया था। नंबर ऑफ कंडक्टर जेड होता है, एन यहाँ पर होता है स्पीड, जबकि यहाँ एन क्या होता है टर्न की संख्या, ए होता है समांतर पाथ। ठीक है अब आप इधर आ जाइए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। अब आप एक चीज़ देखिए कि प्रति मोड़ प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल, हाँ तो प्रति मोड़, अब आप देखो अगर आपको प्रति मोड़ निकालना है ईएमएफ तो आप एन को इधर ले आएंगे क्योंकि प्रति मोड़ के लिए टर्नों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा फाई एम एफ। तो यहाँ ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, लोग ऑप्शन में गलत लगाए आएंगे क्योंकि मेन फॉर्मूला ये होता है तो उनके दिमाग में यही चलता रहेगा तो वो गलत लगा जाएंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो ऑप्शन बैठा देखिए, तो ऑप्शन क्या बैठा है यहाँ से आपका 4.44 एफ फाइव एम वी। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर वोल्टेज तो है नहीं है, वो वोल्टेज कुछ नहीं वो यूनिट लिखी हुई है ना, कंफ्यूज नहीं होना, वो वोल्ट यूनिट है क्योंकि ईएमएफ पर टर्न निकालना है ना, मतलब ईएमएफ की वोल्ट यूनिट है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ अंदर मल्टीप्लीकेशन है। अब खुद देख लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हैं। ठीक है ओके चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है यार, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ वोल्ट। देखिए उसने क्वेश्चन में ईएमएफ पर टर्न वोल्टेज दे रखा है,
मतलब उसने क्या दे रखा है, ईएमएफ पर टर्न जो वोल्टेज दे रखा है वो 8 वोल्ट दे रखा है। याद रखना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। उसने साफ बोला हुआ है प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल प्रति मोड़ 8 वोल्ट है, ठीक है। और उसने ट्रांसफॉर्मर क्या बोला है, 250 से 3000, मतलब ट्रांसफॉर्मर अगर हम बना दें इस तरीके से तो ये 250 है, ये 3000 है वोल्ट। अभी देखो ना यार, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, है ना, तो ये 3000 वोल्ट है, ये 250 वोल्ट है और ये 3000 वोल्ट है, ये सेकेंडरी वोल्टेज 3000 है, ठीक है साहब। अब वो कह रहा है 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है भैया 50 हर्ट्ज का है, कोई बात नहीं। अब द्वितीयक मोड़ की गणना करें, मतलब डिटरमाइन द सेकेंडरी टर्न्स वो कह रहा है। अब देखिए सेकेंडरी टर्न्स वो डिटरमाइन कर रहा है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे, बड़ी प्यारी समझनी पड़ेगी। पूछिए क्या समझनी पड़ेगी, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन बिहार में भी पेपर में आ चुका है। आप लोग ट्राई करिए, 20 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ। अच्छा घनत्व भी दे रखा है इसने ना, दे रखा है 1.2 वेबर पर चले। देखिए अब आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे उसने हमको ईएमएफ प्रति टर्न दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखिए इसने हमें N1 दिया है, E1 दिया है, और इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसने हमें E2 दिया है, N2 पूछा है, मतलब सेकेंडरी के टर्न्स पूछे हैं, जबकि यहाँ पर प्राइमरी के टर्न्स और प्राइमरी का ईएमएफ दे दिया है। अब आप खुद सोचो, इसने अगर ईएमएफ बाय टर्न का रेशियो, मतलब ईएमएफ बाय जो हमारे टर्न हैं उनका अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 8। अब आप खुद सोचो कि जब इसने अनुपात यहाँ पर दे रखा है 8, तो ई1 बाय N1 ही तो उसने दे रखा है, क्योंकि हमारे को उसने E1 बाय N1 ही तो दे रखा, क्योंकि N2 तो हमें पता करना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, E2 बाय E1 N1 सॉरी E2 बाय N2 और E1 बाय N1 यही करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सॉरी E2 बाय N2, E1 बाय N1 और ये आपका I2 बाय I1, और यह हो जाएगा आपका N2 बाय N1। खैर अभी तो हमने N2 यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये 3 तरीके से इस तरीके से हो जाएगा। अब जब हमको इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ किस
ई टू बाय एन टू इजिकल्स टू ई वन बाय एन वन का रेशियो अपने को दिया है 8। तो यहाँ से अच्छा अब आप देखिए ई टू की वैल्यू तो अपने को पता ही है 3000 वोल्ट, तो एन टू क्या आ गया हमारा 3000 बाय 8। अब आप एक चीज़ समझिए कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो इसने आउटपुट का वोल्टेज दिया है, आउटपुट वोल्टेज तो वी टू होता है, पर आपने यहाँ ई टू में ही क्यों ले लिया। देखिए आइडियल कंडीशन में ई टू को वी टू के बराबर मानते हैं, आइडियल कंडीशन में लॉसेस को हम जीरो कर देते हैं, मतलब हम मान के चलते हैं कि जो अंदर ई टू पैदा हो रहा है वही वी टू मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लॉसेस को निगलेक्ट करके जो वी टू मिल रहा है हमें छोर पे मिल रहा है वही हम ई टू लेके चल रहे हैं कि अंदर पैदा हुआ 3000। तो यहाँ एन टू 3000 बाय 8 करेंगे ऑप्शन 375 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है आपका ऑप्शन जो है 375 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, बस खाली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का खेल था, एन टू बाय एन वन वो ई टू बाय एन टू और ई वन बाय एन वन, इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ही केवल गेम था यहाँ पे। उम्मीद है क्लियर होगा ये सवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप एक चीज देखिए कि कहने को ये 5 क्वेश्चन है बट मैं क्योंकि थ्योरी भी डिस्कस करता हूं साथ ही साथ में तो वो क्वेश्चन भर के कई ज्यादा हो जाते हैं, तो इस चीज पे बिल्कुल ना दिमाग सोच के लगाइएगा। आप देखिए अगले क्वेश्चन में उसने साफ बोल रखा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 400 प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न, मतलब प्राइमरी टर्न की संख्या कितनी है। अगर मैं एनपी की बात करूं ये प्राइमरी है जहां पर सप्लाई लगाई जाती है 400 टर्न है, और सेकेंडरी टर्न कितने हैं 1000 टर्न है, सेकेंडरी टर्न 1000 है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कटाक्ष क्षेत्रफल कोर का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 520 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, मतलब प्राइमरी को कितने वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है 520 वोल्ट से, चलिए कोई बात नहीं। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। देखिए अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्लक्स की बात की थी, इसी से जुड़ा हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब ये हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो आपका फ्लक्स घनत्व, तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है फाई एम बाय ए, एरिया का डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स घनत्व आ जाएगा और कैसा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। तो हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना है या उच्चतम फ्लक्स घनत्व निकालना है। अभी आप फॉर्मूला समझिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ पर नसीहत यहाँ पर दे देता हूँ कि जब भी कभी यूनिट आप सेंटीमीटर में देखें कटाक्ष क्षेत्रफल की किसी में भी क्वेश्चन में तो आप तुरंत छूटते ही उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। और मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 बार 100 का इंटू करके या 1000 का, सॉरी इंटू कह रहा हूँ डिवाइड करके, या फिर 1000 का डिवाइड करके। पानी पी लेता हूँ एक मिनट के लिए। अब देखिए मैंने आपको अभी क्या बोला था, जब मैंने अभी स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन बताया था ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, 4.44 फाइव एम एफ एन। अब आप एक चीज़ देखिए इस फॉर्मूले में कहीं पर भी एरिया दिख रहा है नहीं, फ्लक्स घनत्व दिख रहा है नहीं, तो फिर निकालेंगे कैसे हम लोग। याद रखिए अगर मैं इस इक्वेशन को एरिया से ही मल्टीप्लाई और एरिया से ही डिवाइड करूँ, कटाक्ष क्षेत्रफल से डिवाइड और कटाक्ष क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करूँ, तो आप देखिए फाइव एम बाय ए अगर मैं ये लूँ तो ये तो क्या हो जाएगा बी एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा एन, और यहाँ आ जाएगा ए। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर सब कुछ वो मिल गया जो हमें चाहिए था, बी एम भी आ गया और ए भी आ गया। बी एम क्या है, उच्चतम फ्लक्स घनत्व, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अब आप एक चीज़ समझिए, हमें यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है
इसने प्राइमरी साइड का वोल्टेज दे रखा है। आइडियल कंडीशन में मैंने अभी भी आपको बताया था कि V1 E1 के बराबर हो जाता है और V2 E2 के बराबर हो जाता है। तो जो यहाँ पर प्राइमरी पे 520 का वोल्टेज है वही E1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ E1 निकालूँ तो ये N1 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न भी, तो अगर EMF प्राइमरी का ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न भी प्राइमरी का लेंगे, वन साइड का लेंगे। तो आप देखिए, अगर आप E1 को 520 लिखेंगे, 4.44 BM आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है, N1 आपके N1 माने प्राइमरी के टर्न 400 दे रखे हैं, और एरिया आपको क्या दे रखा है, 60 बाय 1000। अभी आप देखिए कि यहां से हम लोग आराम से BM निकाल सकते हैं। अब तो भैया मैथ रह गई है, अब इतना तो आपने करना ही पड़ेगा यार। और देखो ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा आपको पेपर में, क्योंकि बिहार के पेपर में भी कईयों बार पूछा गया ये सवाल। मैं 2 साल से लगातार बिहार के पेपर में देख रहा हूँ इस सवाल को, बिहार TG2 के पेपर में ना, और दोनों बार हम लोगों के यहाँ से दो दो तीन तीन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बिहार के अंदर। तो अभी इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, आप देखिए ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। जाहिर सी बात है यूनिट क्या होगी इसकी, फ्लक्स की यूनिट वेबर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझिए इस बात को, यहाँ पर ये रीडिंग जरूर कन्वर्ट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अपने लास्ट क्वेश्चन है अगला। देखिए 5 क्वेश्चन से 4 न्यूमेरिकल हैं, केवल पहला वाला थ्योरी था, वो भी कूलिंग का क्वेश्चन UPBCL तक मैं कई बार पूछ चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी UPBCL में आ चुके हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ये सब छोड़ के नहीं जाना है, कंपटीशन डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था ये, अब जो करेंगे वो 5वां क्वेश्चन करेंगे ना आज का। यार कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन जो आप प्रिंट करा के देते हो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे वो दिख नहीं रहे हैं, क्या ऐसा है भी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा है, बाकी आप भी बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है यार, ये तो आपको करना पड़ेगा खुद से। चलिए मैं फिर भी करा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपका कोर ऑफ 50 हर्ट्ज़ दे रखा है और 11000 वोल्ट और 550 जो यहाँ 550 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, डेल्टा स्टार दे रखा है, उससे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा यहाँ पे अभी। ठीक है, डेल्टा स्टार में बाद में दिक्कत आती है जब कुछ और एक्स्ट्रा पूछ ले। तो फ्लक्स कह रहा है, उच्चतम फ्लक्स कह रहा है 0.05 वेबर है। ओहो, अब देखो उसने पूछा क्या है, ईएमएफ पर टर्न पूछा है, जबकि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, 4.44 Fm. ठीक है, अब आप देखिए वो ईएमएफ नहीं पूछ रहा है, ईएमएफ पर टर्न पूछ रहा है, मतलब प्रति टर्न। तो प्रति टर्न में ईएमएफ नीचे आ जाएगा और फॉर्मूला रह जाएगा खाली Fm। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया, 4.44 × f, फ्रीक्वेंसी है 50, f 5m है 0.05, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन देखिए फोर्थ, 11.1 वोल्ट इज द राइट आंसर।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से ईएमएफ इक्वेशन पे बेस्ड कितने क्वेश्चन आए। तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा, इन सब क्वेश्चन को आप लोग ट्रांसफॉर्मर की एक अपनी वर्कबुक बना लें, एक अपनी पेजेस बना लें, मैंने तो बेस्ट कहा आपको, उसमें आप नोट डाउन करें। ऐसे ये न्यूमेरिकल इतने इतने बस आप करके चले गए पेपर में इस टाइप के, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिलीव करिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये नोट्स आपने बना डाले तो जब भी वही पेपर आएगा आप इसको पढ़ के देखेंगे, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, अगले लेक्चर में इंडक्शन मोटर को लेके आएंगे लखनऊ मेट्रो के ही पेपर से, ठीक है। हैव अ नाइस डे।